हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को लगने वाले लॉकडाउन को लेकर खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सप्ताह के शुरू में लगने वाले लॉकडाउन के आदेश को वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी। विज ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया गया है। अब राज्य में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। आपको बता दें कि 28 अगस्त को जारी आदेश में हरियाणा सरकार ने सप्ताहांत के बजाय सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था। शहरी क्षेत्रों में शनिवार रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल बंद करने थे। इसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने को छूट दी गई थी। इससे पहले सरकार के शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का व्यापारी विरोध कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों ने भी इसके विरोध में आवाज बुलंद की थी। उन्होंने ये तर्क देकर विरोध जताया था कि दुकानों को बंद करने से अर्थव्यवस्था और खराब रहेगी, अगर दुकानें बंद रखनी है तो फिर ठेके क्यों खोले जा रहे हैं। आदेश में सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय के खुले रहने की बात कही गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म होने के निर्णय से व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना के कारण प्रदेश के व्यापारी वर्ग को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना हालात की समीक्षा की थी। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए शहरी क्षेत्र में दुकानों व मॉल को बंद रखने का फैसला लिया गया था। इसे लागू कराने के आदेश सभी DC और SP को जारी कर दिए गए थे। हालांकि केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के बाद हरियाणा सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है।